आज हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में भाषा और व्याकरण के बारे में पहले पढ़ाया है, जिसमें कि हमने भाषा का परिभाषा और भाषा कितने रूप के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, ओके रीडिंग करेंगे। दैनिक प्रयोग में भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मौखिक और लिखित रूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने में केवल लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हम मौखिक रूप में किसी भी बात को बोलते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, यानी कि कुछ भी मिनट तक वो नहीं रहता है, लेकिन हमारे द्वारा लिखी गई कोई भी चीज़ लंबी समय तक रहती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच आदि। स्वयं भारत कई भाषाओं वाला देश है। यहाँ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी, मणिपुरी, मलयालम, बंगाली, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत और मराठी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब यह होता है कि सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का यूज़ होता है। मातृभाषा, मातृभाषा हम उसे कहते हैं जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा ही सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। नेक्स्ट है, याद रखिए, संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा का ही रूप है। आगे की टॉपिक है बोली, डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का अर्थ यह होता है जो एक लिमिट में बोला जाता है, सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कि हम लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं उसे बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में हरियाणवी तथा ब्रज की बोलियाँ अपने विशेष स्थान रखती हैं। भारत की कुछ अन्य प्रचलित बोलियाँ हैं अवधी, मैथिली, बुंदेली, भोजपुरी आदि। ओके, लिपि, स्क्रिप्ट। साहित्य, संस्कृत, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान एवं सरकारी कामकाज में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। ऐसे कार्यों में जो कुछ भी बोला जाता है उसे विशेष चिन्हों द्वारा लिख लिया जाता है। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं का समन्वित रूपी लिपि कहलाता है। संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि व उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिए, जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उसी लिपि का नाम देवनागरी है। आगे का टॉपिक है हमारा व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण का वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है। इसके साथ ही वह भाषा को नियंत्रित भी करता है। अकेली ध्वनि से भी भाव प्रकट नहीं होते, ध्वनियों का समूह व्याकरण के अंतर्गत नियमबद्ध होकर ही स्पष्ट तथा शुद्ध भाव देता है। अतः व्याकरण ध्वनियों के समूह को नियमबद्ध रखने की व्यवस्था का नाम है। इसके अंतर्गत भाषा के नियमों की चर्चा होती है तथा भाषा को सही रूप में लिखने, सही बोलने और सही समझने की रीति का उल्लेख होता है। वास्तव में व्याकरण किसी भाषा की नियमावली है, यानी हम इससे यह समझेंगे कि हम जो भाषा बोलते हैं उसको एक सिस्टमेटिक रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण के अंग। अब हम देखेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से निम्नलिखित अंग माने जाते हैं।
व्याकरण के अंग कितने होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार का हम परिभाषा देखेंगे। इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, बनावट, शुद्धता तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन कहते हैं, तो आप रोमन यहाँ फील करेंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। परस्पर बातें करते समय भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। भाषा के नियमों की व्याख्या व्याकरण के अंतर्गत की जाती है। यह आप बुक में ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।